चुनाव। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हो। इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हो? एक बैलगाड़ी है और एक वृद्ध आदमी वो बैलगाड़ी चला रहा है और उसकी बैलगाड़ी का पहिया रास्ते में फंस गया है, मिट्टी में फंस गया है और उसे वो निकालना है। लेकिन वृद्ध आदमी वो निकाल नहीं सकता। आते जाते हुए लोग उसे देख रहे हैं लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करता। फिर एक युवक उनकी मदद करते हुए वहां पर दिखाई दे रहा है। अब हम स्टोरी ध्यान से देखेंगे। देखो, सुनो और दोहराओ, यानी कि समझो। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त यानी कि रिटायरमेंट, अपने काम से सेवा मुक्त होने की विनती की उन्होंने। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। यानी कि आपको जब ये छोड़ना है, आपको दरबार छोड़ना है, आपको सेवा मुक्त होना है, तो आपको आपके जैसा ही ईमानदार और परोपकारी मंत्री चुनना पड़ेगा और तभी आप ये काम छोड़ सकते हो, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चयन यानी कि क्या विद्यार्थियों? चयन यानी कि सिलेक्शन। अगले गुरुवार को यानी कि दूसरे हफ्ते के गुरुवार को होने वाला था उनका सिलेक्शन। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे और ढिंडोरे में क्या पिटवाया गया कि इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे, हर कारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे।